मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में घरों में उपचाराधीन कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट जारी करने का फैसला हरियाणा सरकार ने किया है, जिसमें मेवात जिला भी शामिल है। इससे घरों में उपचार करवा रहे मरीजों को इस किट का लाभ मिलेगा। नूह डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विजयपाल ने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा कोविड मरीजों के लिए यह किट तैयार की गई है। यह किट प्रत्येक उस मरीज को दी जाएगी जो होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस किट में एक ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, एंटीमर, थ्री लेयर मास्क, आयुष क्लॉथ, ग्लियो धनवटी, अणुतेल, ORS तथा कोरोना बीमारी से संबंधित जानकारी से भरपूर बुकलेट सहित एथोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ कुल 15 आइटम शामिल हैं। डिप्टी ने बताया कि इस पूरी किट की कीमत लगभग 5,000 रुपये है, परंतु होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों को यह किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस किट में शामिल बुकलेट में कोरोना बीमारी व उसके उपचार से संबंधित अहम जानकारी दी गई है, इसलिए सभी मरीजों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी है। डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि होम आइसोलेशन 14 दिन की बजाय अब 10 दिन का कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना संक्रमित मरीज समय पर ठीक हो जाता है तो उसको 14 दिन की बजाय 10 दिन ही में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। अभी जो होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव पेशेंट चल रहे हैं उनके लिए किट का प्रावधान रखा है, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर और स्टीमर और जो कोविड से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी रहेंगी। और पहले जहां हम 14 दिन में होम आइसोलेशन का रखते थे, अब वो घट के 10 दिन का हो गया है। जिस दिन से किसी मरीज को लक्षण आते हैं, लक्षण से लेकर 10 दिन तक हम उसको होम आइसोलेशन में रखेंगे, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। देखिए, जो भी मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनसे यही है कि एक तो हमेशा घर पे जहाँ भी रह रहे हैं सेपरेट रहें, सबसे अलग रहें, हमेशा मास्क का उपयोग करें, लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज या हाथ धोते रहें, और घर वालों से बात करते समय या और किसी से बात करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहें। और कोई उनको कॉम्प्लिकेशन आती है या कोई और दिक्कत लगती है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में इन्फॉर्म करें। तब तक जो है सर, प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किट मुहैया करा ली जाए? देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जल्द ही इसलिए अब